वेलकम टू माई चैनल असंखा। टू लाइक सब्सक्राइब और अगर आपको मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगी तो कमेंट करना आप मत भूलना। इस पेंटिंग के डिज़ाइन में यहाँ पर मैंने 3 फ्लावर्स को कपड़े के ऊपर ड्रॉ किया है उनकी लीव्स के साथ। आज की पेंटिंग आपके लिए बहुत इजी सा ट्यूटोरियल होने वाली है जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को इस पेंटिंग में बताया है। इस पेंटिंग में मैंने फ्लावर्स के लिए 2 कलर्स का यहाँ पर यूज़ किया है, वाइट और मॉव कलर। और यहाँ इस पेंटिंग के मेन पार्ट को अभी हम पेंट करना स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ्लावर की पेटल्स को पेंट करना स्टार्ट किया है। फ्लावर की पेटल को पेंट करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्रश के ऊपर वाइट कलर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको कई बार वीडियोस में बताया है कि हम यहाँ पर बेसिक टिप ऑफ पेंटिंग का ही यूज़ करेंगे, मीन्स अभी हम पेटल्स को पेंट करने के लिए सबसे पहले कलर को फ्लावर के पेटल्स की बाउंड्रीज पर यूज़ करेंगे और फिर कलर को सेंटर की तरफ लेकर आएंगे ब्रश की हेल्प से। इस तरीके से हमारा कलर बिखरेगा नहीं और हमारे फ्लावर का स्ट्रक्चर भी बहुत सुंदर तरीके से हमारी पेंटिंग में निखर कर आएगा। सेकंड कलर यहाँ पर मैंने मॉफ यूज़ किया है फ्लावर की पेटल्स में और इस कलर को मैंने फ्लावर की पेटल्स की बाउंड्रीज में यूज़ किया है और फिर हल्का हल्का मैंने ब्रश की हेल्प से उसको वाइट कलर में मिक्स कर दिया है। इस फ्लावर की सभी पेटल्स को हम सेम टेक्निक के साथ ही यहाँ पर पेंट करेंगे। अगर आप भी फैब्रिक पेंटिंग में बिगनर हैं और ऐसी पेंटिंग्स को करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर और भी वीडियोस को देख सकते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज़ मिल जाएंगी। एंड आपको अगर पेंटिंग में कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब आप सब मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरे चैनल को शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए और भी इससे भी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिलेटिव्स और जिनको पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं उनके साथ शेयर करें। जो भी ब्रशेस और कलर्स का इस पेंटिंग में यूज़ हुआ है आप उन सब की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, वहाँ पर भी मैंने हर चीज़ को डिटेल में बताया है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी स्किप हो जाए तो आप वहाँ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। स्पेशली ये चीज़ बिगनर्स के लिए है जो मेरे से पूछते हैं कि उनको डिज़ाइंस चाहिए पेंटिंग करने के लिए और अपने आप वो डिज़ाइंस को क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो भी वीडियोस में मैंने फ्लावर्स के डिज़ाइंस को पेंट किया है उनको भी हम डिज़ाइंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आज की पेंटिंग में एक छोटा सा फ्लावर को पेंट किया है, इसी डिज़ाइन को हम डिफरेंट वेज में कपड़े पर एक लार्ज डिज़ाइन में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपको आइडियाज़ और चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मल्टीपल डिज़ाइंस मिल जाएंगे और उनको कैसे आगे कन्वर्ट करना है इसके बारे में आइडिया भी मिल जाएगा। बिगनर्स के लिए एक टिप है कि जहाँ पर मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ उधर आप राउंड ब्रश का यूज़ कीजिए, क्योंकि मेरा हाथ तो काफ़ी ज़्यादा हर ब्रश के ऊपर स्मूथली वर्क करता है, बट आपको एक बार हाथ सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए आप इधर राउंड ब्रश का यूज़ कीजिए।
फ्लावर्स के सेंटर को फॉर्म करने के लिए यहाँ पर मैंने दो कलर्स का यूज़ किया है, येलो और रेड कलर, और इनसे मैंने फ्लावर्स के सेंटर को अच्छी तरह से फॉर्म किया है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है मेरी वीडियोस में से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है पेंटिंग रिलेटेड, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हम नेचर में फ्लावर्स को देखते हैं, तो फ्लावर्स अपने आप में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, उनके वो ब्यूटीफुल कलर्स और उनकी वो खूबसूरती। बट इन फ्लावर्स को कंप्लीट करती हैं उनकी यूनिक लीव्स। तो अभी हम लीव्स को पेंट करना स्टार्ट करेंगे। लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने दो कलर्स का यूज़ किया है, डार्क ग्रीन कलर और वाइट कलर। जैसे कि आप देख रही हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैंने डार्क ग्रीन कलर को लीव्स में फिल करना स्टार्ट कर दिया। बट यहाँ पर मैंने डार्क ग्रीन कलर को कम्प्लीटली लीव्स में फिल नहीं किया है, और हाफ ऑफ द लीव मैंने यहाँ पर एम्प्टी रख दी है। वहाँ पर मैंने वाइट कलर का यूज़ किया है और फिर दोनों कलर्स को एक दूसरे में अच्छी तरह से ब्रश की हेल्प से मिक्स कर दिया है। और फिर इसी सेम टेक्निक से यहाँ पर मैंने सभी लीव्स को पेंट किया है। वीडियोस को फॉर्म करना और साथ साथ पेंटिंग को भी करना, और फिर वीडियो में एडिटिंग कर आपके लिए क्लास को प्रेजेंट करना, इन सब में काफ़ी टाइम और डेडिकेशन चाहिए। बट इसी डेडिकेशन को मूव ऑन रखने के लिए हमको एक मोटिवेशन चाहिए होता है, और वो मोटिवेशन मुझे आप सभी के कमेंट्स, लाइक और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं उस जगह से मिलता है। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी YouTube फैमिली मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है, और मुझे ऐसी वीडियोस और लेकर आनी चाहिए। तो प्लीज़, सबसे बड़ा थैंक्स आप सभी व्यूअर्स को ही जाता है, क्योंकि आप मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, जिसकी वजह से मैं डेली की वीडियोस आपके लिए लेकर आ रही हूँ। आप मेरे वीडियोस में से क्वेश्चंस को उठाते भी हैं और उनको कमेंट सेक्शन में आंसर भी करते हैं, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। आप मेरे बाकी के सोशल अकाउंट्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ लर्न करने को मिलेगा। और मेरे को बहुत खुशी मिलती है जब आप मेरे साथ कुछ नया सीखते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी। इस डिज़ाइन में बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ब्रश के ऊपर थोड़ा सा पानी लिया है, और जहाँ पर मैंने बैकग्राउंड को इस डिज़ाइन में क्रिएट करना है वहाँ पर ब्रश की हेल्प से मैंने कपड़े को गीला कर दिया है। फिर मैंने यहाँ पर येलो और डार्क ग्रीन कलर का यूज़ किया है इस डिज़ाइन में बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए, और ऐसे हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट होता है। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो के एंड पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे, उन वीडियोस को देखकर आप और भी अच्छे से पेंटिंग करना सीख सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।